हेलो एंड वेलकम टू द गेटवे क्लासेस अ गेटवे टू योर सक्सेस माई सेल्फ अभिलाषा जैन एंड आई एम टेकिंग यू टू अ राइड ऑफ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन डिजिटल सिस्टम डिजाइन में अभी तक हम लोगों ने यूनिट वन पढ़ा जहाँ पे नंबर सिस्टम नंबर एरिथमेटिक्स के मैप टेबलेशन मेथड नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े रियलाइजेशन यूजिंग बेसिक गेट्स ये सब भी हमने पढ़ा मतलब यूनिट वन के जितने टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने पढ़े विद द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग जहां पर हम लोगों ने सारा ये देखा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्या चीज एक्सपेक्टेड है वो कर आ, वो हमने देखा नेक्स्ट आप लोगों ने यूनिट टू स्टार्ट किया है यूनिट टू में अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट में हाफ एडर फुल एडर हाफ सब्रैक्टर फुल सब्रैक्टर सीरियल देख चुके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी कवरिंग टूडे इज मैग्नीट्यूड कम्पेरेटर मैग्नीट्यूड कम्पेरेटर में हमें देखना है वन बिट टू बिट थ्री बिट एंड फोर बिट मैग्नीट्यूड कम्पेरेटर अब यूनिवर्सिटी में हम लोग हर बार जैसे हर लेक्चर में देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में किस समय क्या क्वेश्चन अपियर हुआ है कितने मार्क्स के लिए हुआ है तो अगर हम पीछे कुछ सालों में देखें अराउंड 1819 से 21 सॉरी uh, 22 23 तक तो आपका मैग्नीट्यूड कंपेरेटर बहुत बार आया है पर ये जो कंपेरेटर आ रहा है ये कभी वन बिट पूछा जाता है टू मार्क्स में तो कभी थ्री बिट फोर बिट पूछा जा रहा है टेन मार्क्स में सो so, आज हम लोग ये चारों देखेंगे बिट 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 ताकि आप लोगों को कुछ भी पूछा जाए तो आप लोगों को समझ आ जाए अब जो मैग्निट्यूड कंपेरेटर हम पढ़ेंगे इस मैग्निट्यूड कम्पेरेटर को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं हम वन बिट कम्पेरेटर देखेंगे और एग्जैक्टली वन बिट की हेल्प से आप लोग टू बिट थ्री बिट फोर बिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये मैं बताऊंगी आप लोगों को ठीक है तो आप लोगों को ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं बस थोड़ा ध्यान से सुनना समझने की कोशिश करना जरूर मैग्नेट्यूड कंपेरेटर आपको समझ आ जाएगा एज यूजल सम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ चलते हैं वन बिट मैग्नेट्यूड कंपेरिटर की तरफ अब ये मैग्नेट्यूड कंपेरेटर है क्या है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कुछ ऐसा सा सर्किट है जो हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं देखो कई बार आप लोग देखते होंगे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि उस बच्चे के मार्क्स आपसे ज्यादा अच्छे आए उस बच्चे के मार्क्स आपसे कम आए या आप दोनों के मार्क्स इक्वल हैं इसका मतलब जब हम कंपैरिजन कर रहे थे मार्क्स का तो बेसिकली इनपुट जो था वो आप और सेकंड चाइल्ड था मतलब दो इनपुट थे हमेशा जब भी कंपैरिजन होगा तो इनपुट दो होंगे आप और वो बच्चा और कंपैरिजन का आउटपुट क्या आ सकता है उसके मार्क्स ज्यादा है ए ग्रेटर देन बी उसके मार्क्स कम है ए लेस देन बी और उसके और आपके मार्क्स इक्वल है डेट इज इक्वल टू बी सो कंपैरेटर भी ऐसा सर्किट है जो डिजिटल क्वांटिटीज को कंपेयर करेगा वन बिट कंपेरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग तो आपका कंपेरिटर मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा कोर्स साइन बिट कंसिडर नहीं करता है ये मैग्नीट्यूड क्वांटिटी को कंपेयर करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए और ए एंड बी आर इक्वल सो कंपेरेटिव हम लोग यूज कहाँ करते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल आप लोग कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग में आप चाहते हो कि इफ ग्रे इज ग्रेटर देन बी देन डू दिस थिंग इफ ए इज लेस देन बी देन डू दिस थिंग मतलब कई बार हम क्या कहते हैं कि सपोज uh, आपके मार्क्स आए पांच सब्जेक्ट में मार्क्स आए ठीक है छह सब्जेक्ट के अब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया उन छह सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स निकाले अब छह सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स निकालने के बाद में यह डिसाइड किया कि अगर आपके एवरेज मार्क्स जो है वो 40 से नीचे है तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की रिक्वायरमेंट है अगर एटी परसेंट से ऊपर है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे और अगर फोर्टी फोर्टी परसेंट से सेवेंटी परसेंट के बीच में है या एटी परसेंट के बीच में है तो आप अपनी नॉर्मल तो 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 एक अलग लिस्ट में डाल देगा जहां पे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी 80 से अपर है तो आपको अलग क्लासेस में डालेगा जहां पर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा और फोर्टी टू एटी के बीच में है तो आप लोगों के साथ में कुछ नहीं किया जाएगा आपको नॉर्मल क्लासेस दिलवाई जाएंगी ताकि नॉर्मली आप अपने स्टडीज कंटिन्यू करो दिस इज वर्क जहां पे आपका सीपीयू कंपैरिजन कर रहा है ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे मैं काउंटिंग कर रही हूँ अगर मुझे सपोज काउंटिंग करवानी है अपने सिस्टम से जीरो से टेन तक और मैं चाहती हूँ टेन पे जाके वो रिसेट होकर फिर से जीरो बन जाए जैसे आपकी ये डिजिटल क्लॉक चलती है डिजिटल क्लॉक में क्या है काउंटिंग जीरो से सिक्सटी तक चल रही है जैसे ही काउंटिंग सिक्सटी पे आएगी वो रिसेट होके फिर से जीरो हो जाता है और आपका जो मिनट वाला जो सेकंड वाला है वो रिसेट हो के जीरो हुआ और जो मिनट वाला है वो प्लस वन हो गया अगेन सेकेंड्स वाला जीरो से सिक्सटी तक चलेगा रिसेट होके जीरो पे आ जाएगा और जो मिनट वाला है वो प्लस वन होगा अनटिल मिनट भी सिक्सटी पे पहुंचता है जैसे ही मिनट आपके 60 पे पहुंचे आर वाला प्लस वन हो जाएगा और मिनट रिसट होकर के फिर से जीरो पे आएगा तो आपको कंटिन्यू चेक करना है अगर मैं डिजिटल क्लॉक की बात करूं तो डिजिटल क्लॉक कंटिन्यू चेक कर रही है वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकंड एंड सो ऑन अप टू सिक्सटी सेकेंड वो चेक करती रहेगी कि इज इट इक्वल टू सिक्सटी इज इट इक्वल टू सिक्सटी इज इट इक्वल टू सिक्सटी जैसे ही वो इक्वल टू सिक्सटी हुआ वो रिसेट होकर के जीरो बन जाएगा और मिनट वाला इक्वल हो जाए मिनट वाला प्लस वन हो जाएगा अब आपका जो कंपेरेटर है वो मिनट को चेक करेगा इज इट इक्वल टू सिक्सटी नो देन प्लस वन एंड इफ इट इज इक्वल टू सिक्सटी देन जीरो तो यहां पे आपको कंपेरेटर्स की जरूरत पड़ रही है हर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कहीं ना कहीं हम सीपीयू की सीपीयू में हम लोग कंपेरेटर की बात कर रहे हैं मैंने एक एग्जांपल पहले भी लेक्चर में दिया है आपकी बिस्लरी बॉटल पैकिंग मशीन है बिस्लरी बॉटल पैकिंग जो आपकी इंडस्ट्री है वहाँ पे बॉटल्स बन रही हैं बॉटल्स फिल हो रही हैं पैक हो रही हैं और आ रही है अब कार्टून पैकिंग करनी है एट द पैक ऑफ सिक्स बिस्लरीज तो जैसे ही एक बिस्लरी बॉटल आई फ्लो करके आई तो काउंटर ने प्लस वन कर दिया सेकेंड आई काउंटर ने प्लस टू कर दिया पर जब काउंटर प्लस वन प्लस टू कर रहा है तब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चेक कर रहा है इज इट इक्वल टू सिक्स नो देन लेट इट बी थर्ड आई इज इट इक्वल टू सिक्स नो लेट इट बी फोर्थ फिफ्थ जैसे ही सिक्स आई सीपीयू ने चेक किया इज इट इक्वल टू सिक्स यस जैसे ही इक्वल टू सिक्स हुआ वैसे ही आपके सीपीयू ने क्या ऑर्डर दे दिए कि इसे कार्टून पैक करो कार्टून आया वो छ बॉटल्स पैक हुई और आगे निकल गई अब नेक्स्ट बॉटल्स और ये जो काउंटर है जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कर रहा था वो रिसेट होके जीरो हो गया अब जब नेक्स्ट बॉटल आएगी तो वो सेवेंथ काउंट नहीं करेगा वो फिर से वन काउंट करेगा दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपेरिटर्स की जहां पे काउंटर और कंपेरेटर की साथ में रिक्वायरमेंट होती है काउंटर्स काउंट करेगा और कंपेरेटर कंपेयर करता चला जाएगा तो कंपेरेट हम लोग सीपीयूज में यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज कर रहे हैं ये सारी रिक्वायरमेंट है आपके कंपेरेटर की नाउ बात करते हैं कंपेरिजन की सपोज आपके पास में जीरो और वन है सपोज ए इज जीरो एंड बी इज वन तो मेरे सीपीयू ने क्या देना चाहिए रिजल्ट जीरो है बी वन है और मैं अगर जीरो और वन को कंपेयर करती हूं तो मेरे कंपेरेटिव ने देना चाहिए ए इज लेस अगर रिवर्स होता ए वन होता बी जीरो होता तो मेरा कंपेरेटिव देता ए ग्रेटर देन बी और अगर ये दोनों जीरो होते या फिर ये दोनों वन होते उस केस में मेरा कंपेरेटिव कहता ए इक्वल टू बी ये आपके कंपेरेटर्स का काम है जहां पे वो एक बिट को वन बिट को कंपेयर कर रहा है और तो हम लोग सभी कॉम्बिनेशन सर्किट में कर रहे हैं जब भी आपके पास में कोई डिजाइनिंग के लिए सर्किट आता है फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जा रहा है कि मैं वन बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर डिजाइन करूं तो डिजाइनिंग में मैंने पहले ये सोचा कि मुझे क्या क्या चाहिए तो मुझे ये पता चल गया मेरे पास में दो इनपुट्स होंगे ए और बी जिसे मैं कंपेयर करूंगी देन आई विल थिंक कि आउटपुट क्या होगा आउटपुट तीन आउटपुट होंगे आइदर ए विल बी ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी नेक्स्ट स्टेप है ट्रूथ टेबल बनाना तो ट्रूथ टेबल में मैंने इनपुट्स ए और बी ले लिए सिमिलरली तीनों आउटपुट ले लिए हैं ए ग्रेटर देन बी ए लेस देन बी एंड ए इक्वल टू बी ये आपका बेसिक ट्रूट टेबल बना अब हमें ए और बी मतलब इनपुट्स के सभी कॉम्बिनेशन लिखने हैं इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं इनपुट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन राइट नाउ अभी तक हमने देखा जब ए और बी दोनों जीरो, जीरो जीरो थे उस केस में आउटपुट ए इक्वल टू बी आ रहा था क्यों क्योंकि मेरा ए और बी दोनों जीरो हैं तो एक्वल टू बी लॉजिक वन होगा और ए ग्रेटर देन लेस देन बी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एलईडी ऑन नहीं होगी तीन एलईडीज आउटपुट में लगाई है एक एक कंडीशन के लिए तीनों ऑन होनी चाहिए अगर ए इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू बी वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए लेस देन बी है तो लेस देन वाली और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन तीनों में से एक टाइम पे एक ही एलईडी ऑन हो सकती है ज्यादा नहीं क्योंकि ए या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा Fine. अगर ए जीरो है बी वन है तो एलईडी कौन सी ग्लो होनी चाहिए यस ए लेस देन बी तो मेरा ए लेस एक्टिवेट हुआ बाकी सारे ऑफ रह गए अब ए अगर वन है बी जीरो है वेरी करेक्ट ए ग्रेटर देन बी वाली एक्टिवेट होगी बाकी दोनों जीरो रहेंगे और ए भी वन है बी भी वन है तो आपका ए इक्वल टू बी वाला एक्टिवेट होगा बाकी जीरो हो जाएंगे

आपके पास में जो आउटपुट है सपोज वाई वन कहते हैं तो ए लेन बी के लिए आउटपुट एक ही मिनटम है मेरे पास में और वो मिनटम आ रही है ए जीरो बी वन के लिए इसका मतलब ए बार बी ए जीरो है तो ए बार और बी वन है तो बी इसीलिए ए बार बी सिमिलरली अगर मैं ए ग्रेटर देन बी देखती हूँ तो ए ग्रेटर देन बी के लिए आउटपुट क्या होगा टू सपोज वाई टू ये कॉलम जनरेट हुई है ये वाली तो कुछ गड़बड़ हुई है बेटा yes. के लिए मेरा ये मिनटर्म है और इसके लिए कॉम्बिनेशन है ए वन एंड बी जीरो इसका मतलब ये आना चाहिए ए b बार b जीरो है तो b बार a वन है तो a ठीक है नाउ a इक्वल टू बी देखते हैं a इक्वल टू बी डेट इज y थ्री के लिए मेरे पास में दो मिनटम्स है एक आपकी मिनटम ये वाली है एक ये वाली है अगर ये मिनटम देखूं तो a भी जीरो है b भी जीरो है इसका मतलब a बार b बार और दूसरी मिनटम मेरे पास है दूसरी मिनट हम यहां पर आ रही है जहां ए और बी दोनों वन है तो वो होगा आपका ए बी नाउ ए बार बी बार प्लस ए बी अगर आपको याद होगा ये एक्स नॉर ऑपरेशन है जहां पे एक कॉम्बिनेशन विदाउट कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा कॉम्बिनेशन पूरा कॉम्प्लीमेंट वाला होता है तो ए बार बी बार प्लस ए बी इज योर एक्सनॉर ऑपरेशन एंड आई कैन राइट इट एज ए एक्सनॉर ऑफ बी हम लोग सर्कल के अंदर प्लस बनाते हैं एक्सनॉर में सर्कल के अंदर एक डॉट बनाते हैं तो उसे हम एक्सनोर ऑपरेशन कहते हैं अगर एक्सोर होता मतलब वो होता ए बार बी प्लस ए बी बार एक इधर कॉम्प्लीमेंट एक इधर कॉम्प्लीमेंट ए बार बी ए वाला कॉम्प्लीमेंट है और बी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है और ए बी बार का मतलब है ए नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है बी कॉम्प्लीमेंटेड है उसमें हम सर्कल के अंदर प्लस बनाते हैं वो एक्सोर ऑपरेशन होता है और एक्सनोर ऑपरेशन होता है ए बार बी बार प्लस ए बी फाइन नाउ इसमें एक माइन्यूट सा अमेंडमेंट है अमेंडमेंट क्या है अगर मेरे देखो ये दो तो मुझे जनरेट करने ही हैं ए बार बी ए बार बी प्लस ए बी बार ये दोनों मुझे जनरेट करने ही हैं अगर मैं इन दोनों को नॉर गेट को देती हूं नॉर ऑपरेशन आपको पता है और का कॉम्प्लीमेंट मतलब प्लस करके पूरे को होल कॉम्प्लीमेंट करना है ये नॉर ऑपरेशन है अगर मैं वाई थ्री के लिए मैं देती हूं वाई वन प्लस वाई टू होल कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करती हूं तो ये आपके पास आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार होल कॉम्प्लीमेंट विच विल बी इक्वल टू अगर मैं इस पे डी मॉर्गन थियरम अप्लाई कर रही हूँ तो डी मॉर्गन थियरम कहता है कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो आपका प्लस मतलब और ऑपरेशन एंड बन जाता है और दोनों आपके टर्म हो जाती है ये होगा आपका ए बार बी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी बार होल कॉम्प्लीमेंट एंड ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अब बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट अगेन डी अप्लाई कर रही हूं ये बनेगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार सॉरी बी बार बी तो सिंगल बार आएगा प्लस बी बार क्योंकि ए को पहले से कॉम्प्लीमेंट था इसीलिए ए डबल बार लिया बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो बी बार हुआ है इनटू ए बार प्लस बी डबल बार ठीक है ये आपका डिमोर्गन सथियर अप्लाई हुआ जहां पे ये कॉम्प्लीमेंटेड टर्म अगर है तो डॉट प्रोडक्ट आपका और प्रोडक्ट हो गया है नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट ये सॉरी डबल कॉम्प्लीमेंट आपको पता है फिर से ओरिजिनल नंबर हो जाता है ए डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए प्लस बी बार इन A ए बार प्लस बी और आई कैन राइट इट एज ए इंटू ए बार प्लस बी प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस बी इंटू बी बार

तब जब मैं फर्स्ट Y1 और Y2 को नॉर्थ गेट से कनेक्ट कर रही हूं ठीक है तो अब हम इसका सर्किट कैसे रियलाइज कर सकते हैं सर्किट करने के लिए देखो मैंने क्या किया है फर्स्ट Y1 आपको चाहिए था A बार B. A बार B के लिए मैंने एक एंड गेट लिया है जहां पर A बार एंड B ये मिला और इसका आउटपुट मुझे मिलेगा ए बार बी सेकेंड एंड गेट में यूज कर रही हूं जिसके इनपुट्स होंगे ए बी बार और इसका आउटपुट मुझे मिलेगा ए बी बार ठीक है अब अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करती हूं और गेट्स, नॉर गेट से और और उसका कॉम्प्लीमेंट तो यहां पे मुझे मिलेगा ए बार बी बार प्लस सॉरी ए ए ए बार बार बी बी प्लस इज इक्वल टू बी ये वाला मेरा है ए बार बी मीन्स ए लेस देन बी एंड दिस इज ए बी बार मीन्स ए ग्रेटर देन बी दिस इज योर वन बिट टव जहां पे मेरे पास में दो इनपुट्स थे ए और बी और मेरे पास में तीन आउटपुट्स मिले ए देन बी ए ग्रेटर देन बी ए इक्वल टू बी अगर ए बार बी है तो आपका ए देन बी ए बी बार है तो बी इज देन ए और ए ग्रेटर देन बी और अगर आपका ए ए प्लस ए बार बी बार है तो यहां पे मिलेगा ए इक्वल टू बी दिस इज योर कंप्लीट वन बिट कंपेरेटर आई होप वली अपने दिमाग में डाल लो क्योंकि इसी वन बिट कंपेटर को यूज करके हम बनाएंगे टू बिट थ्री बिट फोर बिट कंपेरिटि ठीक है यही वन बिट कंपेरेट चलेंगे आगे नाउ अब अगर मैं टू बिट कंपेयर कर रही हूं तो टू बिट कंपैरेटर सपोज मेरा ए वन ए जीरो बी वन बी जीरो है फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लेती हूँ मेरे पास सपोज वो है जीरो दिस इज योर ए दिस इज योर बी ए बी का मतलब है कि ये ए वन है ये ए जीरो है ये बी वन है ये बी जीरो है अब जब भी कंपेरिजन होगा तो कंपैरिजन कैसे होगा सबसे पहले आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका मतलब जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट है इस बिट को देखोगे मुझे ऐसी बी वन है, इस इस है, है, है तो मैं डायरेक्टली डिक्लेयर कर दूंगी ए लेसन बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर मेरी ए लेसन बी है तो मैं डिक्लेयर कर दूंगी दैट इज ए लेजन बी ठीक है अगर वही ये नंबर होता वन जीरो एंड जीरो वन तो इस केस में मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करती कि मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां पर ए इज ग्रेटर देन बी तो इसे मैं डिक्लेयर कर दूंगी ए ग्रेटर देन बी ठीक है इसे मैंने डिक्लेयर करना है ए लेस देन बी नाउ वन मोर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में सपोज बिट होती 0, 1, 0, 0. तो इस केस में आप देखोगे इस केस में जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो इक्वल है अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल है तो आप सेकंड बिट पर जाओगे और फिर डिक्लेयर करोगे कि ए ग्रेटर देन बी है या ए देन बी है ठीक है इसका मतलब जब मैं ए इक्वल टू बी कह रही हूं ए इक्वल टू बी के लिए मेरी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों इक्वल होना जरूरी है ये भी इक्वल होगी ये भी इक्वल होगी और जीरो 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 वन सॉरी जीरो जीरो ये दोनों इक्वल है और वन जीरो वन जीरो तो ए इक्वल टू बी कब पॉसिबल है इफ ए वन इज इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो अगर आपका ए वन इक्वल टू बी वन है एंड सॉरी ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ तभी आपका ए इक्वल टू बी होगा अगर इनमें से जैसे आपने ये केस देखा यहां पर ए वन इक्वल टू बी वन है बट ए जीरो इज नॉट इक्वल टू बी जीरो उस केस में ए इक्वल टू बी नहीं होगा तो ए इक्वल टू बी कब होगा जब ए वन इज इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो इज इक्वल टू बी ना ए ग्रेटर देन बी कब है अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सबसे पहले मैं एमएसबी बिट को चेक करूंगी इसका मतलब इफ ए वन इज ग्रेटर देन बी वन या तो ए वन इक्वल टू बी वन हो या फिर या फिर मतलब और ए वन इज इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो मतलब मेरे पास में कंडीशन क्या जनरेट हुई है कि या या तो मेरा ए वन ही ग्रेटर देन बी वन हो तो ए ग्रेटर देन बी डायरेक्टली डिक्लेयर कर दूंगी या फिर और ए वन तो इक्वल है जैसे हमने यहां पे देखा या फिर आपका यहां पर ए वन इज ग्रेटर टू बी वन एंड ए जीरो इज ग्रेटर देन बी जीरो केस में आपका ए ग्रेटर देन बी है सिमिलरली अगर मैं कहती हूं ए लेस एन बी तो या तो ए वन लेस देन बी वन हो और ए वन ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो लेस देन बी जीरो मतलब यहां पर भी मेरी दो कंडीशन जनरेट हुई है फर्स्ट कंडीशन ये है कि या तो डायरेक्टली ए वन इक्वल टू बी वन हो ए वन ग्रेटर देन बी वन हो ए वन देन बी वन हो या फिर सेकेंड कंडीशन है इक्वल टू में तो a0 टू बी जीरो और ए ग्रेटर देन देन में ए वन बी वन इक्वल होने चाहिए और ए जीरो बी जीरो डिसाइड करेगा कि आपका क्या रिजल्ट है अब देखो ये कंडीशंस आपको समझ आ गई होंगी तो अब आते हैं डिजाइनिंग पे डिजाइनिंग में जो हमने वन बिट कम्पेरेटर बनाया है वो एक बिट के लिए मतलब ए वन बी वन के लिए अलग और ए जीरो बी जीरो के लिए अलग बनाएंगे दो कंपेरेट बनाएंगे कंपेरेट कैसे बनाने हैं मुझे देखो जो मेरा कंपेरेटर था वो कुछ इस टाइप का था ये कंपेरिटर था अब इस कंपेरिटर में मैं ए वन बिट डालूंगी और इस कंपेरेटर में जीरो बिट डालूंगी दिस इज ए वन बार बी वन ए वन बी वन बार सिमिलरली जीरो बार बी जीरो एंड ए जीरो बी जीरो बार जब यहां मिलेगा तो मुझे मिलेगा यहां पर ए वन बार बी वन इसका मतलब ये वाला है आपका ए वन लेस देन बी वन ये होगा ए वन ग्रेटर देन बी वन और ये है आपका ए वन इक्वल टू बी वन ठीक है ये तीन है यहां पर मुझे मिल रहा है ए जीरो लेस देन बी जीरो ए जीरो इक्वल टू बी जीरो एंड एन बी जीरो मुझे मिल गई अब कंपेरिजन देखो जो हम बात कर रहे थे वो इक्वल कब होगा जब ए वन बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो इसका मतलब ये जो ए वन इक्वल टू बी वन है और एरो इक्वल टू बी जीरो है इन दोनों का इन दोनों का अगर मैं एंड ऑपरेशन करती हूं तो ये एंड ऑपरेशन इफ ए वन इक्वल टू बी वन एंड इक्वल टू बी जीरो मुझे देगा इक्वल टू बी फाइन सेकेंड ए वन ग्रेटर देन बी वन मीन्स ग्रेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे इफ ए वन इज ग्रेटर देन बी वन मैं कलर चेंज करती हूं आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा इफ ए वन इज ग्रेटर देन बी वन और मतलब मुझे यहां लगाना है एक और गेट ये और गेट और ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो तो ये वाला ए जीरो सॉरी ये वाला ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो है और ए वन इक्वल टू बी वन ये वाला था इन दोनों में मुझे लगाना है एंड गेट तो ये आपका क्या बना ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो और ये वाला मेरा जाके और होगा इसके साथ तो मेरा बना है ए ग्रेटर देन बी ठीक है अब आता है ए लेस देन बी की बात ए लेसन बी में कहा कह रहे ए वन लेस बी वन और इसका मतलब ए वन लेन बी वन ये वाला ए वन लेन बी वन और के लिए और गेट ठीक है और क्या है ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरोन बी जीरोन बी जीरो वाला है और ए वन इक्वल टू बी वन ये है इन दोनों के बीच में अगर मैं लगाती हूं एक एंड गेट और ये एंड गेट इसके साथ कनेक्ट करती हूं तो मेरा बना है ए लेस देन बी आई होप क्लियर आया जो कंडीशंस दिख रही हैं वो कंडीशंस मैंने यहां पर इम्प्लीमेंट की है ये है आपका टू बिट कंपैरेटर क्लियर नाउ अब अगर टू बिट कंपेरेटर समझ आ गया तो थ्री बिट कंपेरेटर बहुत इजी है थ्री बिट कंपेरेटर में हम लोग यही कंडीशंस रखेंगे पर उसमें ए वन सॉरी ए टू ए वन ए जीरो बी टू बी वन बी जीरो को कंपेयर करेंगे ठीक है तो आते हैं थ्री बिट कंपेरेटर पे थ्री बिट कंपेरेटर में ए वन ए इक्वल टू बी मतलब आपके पास बिट्स हैं ए टू ए वन ए जीरो बी टू बी वन बी जीरो अब ए वन सॉरी एक्वल टू बी कब हो सकता है शुरू करते ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो उस केस में आपका ए इक्वल टू बी होगा इसका मतलब यहां पर मेरे पास में तीन कंडीशंस मिल रही हैं मुझे ये तीन कंडीशंस हैं इफ ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो देन ए इज इक्वल टू बी ठीक है ए ग्रेटर देन बी कब हो सकता है या तो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ए टू इक्वल टू बी टू हो तो यहां पे या तो आपका ए टू ग्रेटर बी टू हो तो आपका ए ग्रेटर देन बी डायरेक्टली आ गया जहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ग्रेटर है वहां पे डायरेक्टली ग्रेटर है और या फिर आपके पास कंडीशन आ रही है ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्व ए वन ग्रेटर देन एंड ए वन ग्रेटर देन बी वन ये सेकेंड कंडीशन या फिर और ए टू इक्वल टू बी टू एंड A one equal to B one and A zero greater than B zero. ठीक है इसका मतलब अब कंडीशन क्या आई या तो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी ग्रेटर हो तो डायरेक्टली ग्रेटर है या फिर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल है तो हम सेकंड सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे अगर सेकंड सिग्निफिकेंट बिट ग्रेटर है तो डायरेक्टली हम डिक्लेयर कर देंगे या फिर आपकी फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेकंड सिग्निफिकेंट बिट इक्वल है तो हम थर्ड सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे और फिर डिक्लेयर करेंगे वैसे ही लेस का केस है इफ ए टू लेस देन बी टू और ए टू इक्वल टू बी टू बी टू एंड ए वन लेस देन बी वन और ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरोन बी जीरो आपकी कंडीशंस हैं ए लेस एन बी की Now, अब आते हैं सर्किट की तरफ कंडीशंस आप लोगों को समझ आ गई अब सर्किट डिजाइन कैसे करना है क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये सब कंडीशन समझ आती है पर बच्चे ड्रॉ नहीं कर पाते कि ड्रॉ करने में हम कैसे करेंगे सर्किट बहुत बड़ा हो जाता है कंफ्यूजन हो जाता है यस yes. पर इसका ना तरीका बताती हूँ तरीका कैसे करना है तरीके के लिए हम लोग एक नई स्लाइड नया बोर्ड पे लेते हैं ठीक है जहां पर मेरे पास में तीन बिट्स हैं a2 b2 a1 b1 a0 b0 तीनों का कंपैरिजन अलग-अलग करेंगे और तीनों में मुझे इक्वल मिलेगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस तीनों में मुझे ये आउटपुट मिलेंगे मतलब तीन छः नौ, नौ आउटपुट मिलेंगे मुझे अब इन नौ आउटपुट के साथ मुझे खेलना है ये नाइन आउटपुट निकालना कोई मुश्किल नहीं है ये हैं तो नाइन आउटपुट्स पहले ड्रॉ करते हैं मेरे पास में ये वाला आपका फर्स्ट आउटपुट आ रहा है जहां पर हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ए टू बी टू ए टू बी टू को यूज करेंगे तो ये आपका होगा ए टू बार बी टू एंड ए टू बी टू बार ठीक है वैसे ही आपका सेकंड कंपेरेटर लेंगे और ये कंपेरेटर आपका यूज होगा ए वन और बी वन के लिए तो ये आपका है एवन बार बी वन एंड ए वन बी वन बार थर्ड कंपेरेटर आपका है ए जीरो और बी जीरो के लिए तो ये वाला होगा आपका एरो बार बी जीरो एंड एरो बी जीरो बार इसका मतलब यहां पर मुझे मिला ए टू लेस देन बी टू दिस इज ए टू ग्रेटर देन बी टू एंड ए टू इक्वल टू बी टू दिस इज ए वन लेस देन बी वन ए वन ग्रेटर देन बी वन ए वन इक्वल टू बी वन एरो लेस देन बी जीरो ए जीरो इक्वल टू बी जीरो एंड ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो आपको आउटपुट्स मिले ठीक है ये ना, नाइन आउटपुट्स आपको ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं है अब जो सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे वो इक्वल टू पे करेंगे इक्वल टू के लिए कंडीशन है कि आपकी तीनों बिट्स आपकी इक्वल होनी चाहिए ए टू ए वन ए जीरोक्वल टू बी टू बी वन बी इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो तो सबसे पहले आप ये करो इक्वल टू वाला नीचे लेके आना और सबसे नीचे मैं ड्रॉ करूंगी इक्वल टू वाला इन तीनों को ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो विल गिव एक्वल टू बी ठीक है तो सबसे पहले सबसे नीचे आप लोग ड्रॉ करोगे एक्वल टू बी सबसे नीचे इसलिए क्योंकि हमें इक्वल टू के वाले बीच में भी चाहिए तो वहीं से हम पिकअप करते चले जाएंगे अब आता है ए टू ग्रेटर देन बी टू सॉरी अब ये लेस और ग्रेटर ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखना जहां ए बार बी मिल रहा है वो आपका लेस है और जहां ए बी बार मिल रहा है वो ग्रेटर है ये वाला अगर आप उल्टा करते हो ए टू बी टू बार ऊपर और ए टू बार बी टू नीचे तो ग्रेटर देन ऊपर चला जाएगा और लेसन नीचे आ जाएगा ये ध्यान रखना ए बार बी है तो जो बार वाला है वो लेस होता है ए बार बी का मतलब ए लेस देन बी और ए बी बार का मतलब ए ग्रेटर देन बी चीज ध्यान रखना उल्टा मत करना कि यहाँ पे आपने पलट दिए लर्न नहीं करना है कुछ भी सिर्फ समझ के करना है हमें तो जहां पे अगर आप वो पलट रहे हो तो आपका ग्रेटर लेस भी पलटना चाहिए अब आता है ग्रेटर देन मतलब सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे सबसे पहले ऊपर वाले के लिए ग्रेटर देन होने के लिए या सॉरी देन होने के लिए या तो ए लेस देन बी होना चाहिए डायरेक्टली फिर मेरे पास कंडीशन है और और मतलब यहां पर मैं लगाऊंगी एक और गेट ठीक है ये मैंने लगाया एक और गेट और गेट में या तो ये ए टू लेस देवल टू बी टू एंड ए वन लेस देन बी वन अब इसमें मैंने एंड बोला है इसका मतलब यहां पर मैंने एक एंड गेट लगाया और वो सेकेंड इनपुट दे दिया और गेट को ठीक है थर्ड कंडीशन थी ए टू इक्वल टू बी टू ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो मतलब ये दोनों इक्वल हो तो ये इक्वल ए टू इक्वल टू बी टू मेरे पास मिल रहा है यहां पे इसे पहले लेकर के आओ ये a0 लेस देन बी जीरो है मेरा ए वन इक्वल टू बी वन और ये है ए जीरो इक्वल टू ए टू इक्वल टू बी टू ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो लेस देन बी जीरो तो ये आपका और गेट में यहां पर जाकर के मिल जाएगा और ये देगा आपको ए लेस देन बी ठीक है ये तीन कंडीशन नाउ फोर्थ कंडीशन आ रही है ए लेस देन बी की अब लेस एन बी के लिए मेरे पास में ये वाला है आउटपुट इसे यहाँ पर ला रहे ठीक है ए टू सॉरी ग्रेटर देन ए टू ग्रेटर और और मतलब यहां पर मुझे एक और गेट लेना है ठीक है और गेट, और गेट के साथ में मुझे क्या है या तो आपका ए टू इक्वल टू बी टू होगा और ये ए वन लेस देन बी वन होगा मतलब जब मैं ग्रेटर ले रही हूं तो ऊपर वाले इक्वल लेना है नीचे वाले ग्रेटर लेना है अगर आपको लेस लेना है तो ऊपर वाले इक्वल लेना है नीचे वाले लेस लेना है तो ये ए वन ग्रेटर देन बी वन और इसके साथ में एक एंड गेट लगाना था ए टू इक्वल टू बी टू का ये एंड गेट लगा और ये अदर अदर इनपुट और गेट का चला गया अब थर्ड ये वाला अगर मैं ग्रेटर ले रही हूं तो इस ग्रेटर के साथ में मुझे क्या लेना है ऊपर वाले दोनों और लेने हैं वो सॉरी इक्वल लेने हैं ए वन इक्वल टू बी वन वाला ये वाली स्ट्रिंग है मेरी और ए टू इक्वल टू बी टू वाली ये स्विंग है इन दोनों के साथ मुझे लगाना है एक एंड गेट और ये एंड गेट लगा करके देना है इस और गेट को तो ये आपका बनेगा ए ग्रेटर देन बी ठीक है ये आपका बना थ्री बिट कंपेरिटि जहां पे तीन इक्वल आपको लगाने हैं सबसे पहले सभी के जो इक्वल हैं वो नीचे ला करके एंडिंग करो और इक्वल डिसाइड कर दो उसके बाद में जब लेस देन कर रहे हो तो ऊपर वाला लेस देन लो और लगाओ फिर सेकंड वाला ले रहे हो तो उसके साथ एंड ऊपर वाले का इक्वल टू आएगा थर्ड वाला लेस ले रहे हो तो उसके साथ एंड ऊपर वाले के दोनों इक्वल टू आएंगे और वो आपको में लगाना है वैसे ही ग्रेटर देन के लिए करना है तो ये आपका थ्री बिट कम्पेरेटर बना ठीक है अब थ्री बिट कम्पेटर अगर क्लियर हो गया तो फोर बिट ऑफ कोर्स आप लोगों को हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया होगा कि फोर बिट में मैम आपने ये ही चार कॉलम्स लगाओगे पहले एंड ऑपरेशन लगाओगे फिर ग्रेटर देन फिर लेस देन आप वो लगाओगे काम खत्म यस एग्जैक्टली ये ही करना है अगर बिट कम्पेरेटर भी मुझे लेना है तो फोर बिट कम्पेरेटर के लिए मुझे ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो चाहिए बी थ्री बी टू बी वन बी जीरो चाहिए ये आपके ए इनपुट्स होंगे ये बी इनपुट्स होंगे तीन आउटपुट है इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन ये तीन आउटपुट्स आपको मिलेंगे और कंडीशंस अगेन सेम है ए इक्वल टू बी के लिए कंडीशन है ए थ्री इक्वल टू बी थ्री एंड ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो इक्वल टू बी जीरो आपके कंडीशन हैं एंडिंग के मतलब अगेन आपको चारों के इक्वल एंड करना है नीचे लाना है सबको मिलाना है ये आपके इक्वल टू का ऑपरेशन नाउ आते हैं ग्रेटर देन ग्रेटर कब है जब ए थ्री ग्रेटर देन बी थ्री है ठीक है पहली कंडीशन तो ये फाइनल और और के साथ में आपको चले चलेगी ए थ्री इक्वल टू बी थ्री एंड ए टू ग्रेटर देन बी टू ठीक या फिर और ए थ्री इक्वल टू बी थ्री बी थ्री एंड ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन ग्रेटर देन बी वन नेक्स्ट कंडीशन और ए थ्री इक्वल टू बी थ्री एंड ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो ये आपकी कंडीशंस हैं ए ग्रेटर बी की ए थ्री रखना ये जो आपका ऑरिंग है ये तीनों और ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीनों और आपके एक ही और गेट आता है ठीक है नाउ वैसे ही आपके इसमें ये तीनों एंड गेट्स आपके सेम एंड गेट आएगा एक ही एंड गेट ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा अब ए लेन बी के लिए ए थ्री लेसन बी थ्री और ए थ्री इक्वल टू बी थ्री एंड ए टू लेन बी टू और ए थ्री Equal to B three and A two equal to B two and A one less than B one or A three equal to B three and A two equal to B two and ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए जीरो लेस देन बी जीरो इस केस में अगेन जो आपका और ऑपरेशन है ये सारे आपके एक ही और होंगे सेम और होंगे ये वाले ये सारा एक और गेट में कनेक्ट होगा आपका ये तीनों ये वाले तीनों एक गेट में होंगे ये दोनों एक एंड गेट होंगे सिमिलरली यहां पर भी ये आपके तीनों एंड सेम हैं और ये दोनों एंड एक ही गेट होगा ये एक ही गेट होगा मतलब एक रो में जो एंड गेट्स हैं वो सारे सेम होंगे और और सभी के एक पार्ट के लिए आपके सभी और गेट सेम होंगे ठीक है तो अब डिजाइन करते हैं लास्ट आपका फोरबिट मैग्नेट्यूड कंपेरिटर जो कि आपका मैग्नेट्यूड कंपेरिटर का लास्ट कंपेरेटर है मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे एक से सर्किट हम कितने ड्रॉ करेंगे यस ऑफ कोर्स फोर चार किसके लिए एक ए थ्री बी थ्री के लिए एक ए टू बी टू के लिए एक ए वन बी वन के लिए, लिए चौथा नेक्स्ट आपका होगा ए जीरो बी जीरो के लिए तो हम लोग चार कंपेरेटर्स ड्रॉ कर रहे हैं सेम कंपेरेटर आपको चार ड्रॉ करने हैं यहां पर आप दो एंड गेट और एक और नॉर गेट आप यूज करते हो चार कंपेरेटर वैसे ही ड्रॉ करेंगे हम फर्स्ट कंपेरेटर आपका ए थ्री बी थ्री के लिए था सेकंड कंपेरेटर ए टू बी टू के लिए था थर्ड कंपेरेटर आपका ए जीरो बी जीरो के लिए होगा और जो फोर्थ कंपेरेटर होगा ए वन बी वन के लिए होगा और जो फोर्थ कंपेरेटर है वो आपका होगा ए जीरो बी जीरो के लिए ठीक है नाउ अगर मैं ये ए थ्री बी थ्री के लिए कर रही हूं तो ये होगा आपका ए थ्री बार बी थ्री ए थ्री बी थ्री बार ए टू बार बी टू ए टू बी टू बार ए वन बार बी वन ए वन बी वन बार ए जीरो बार बी जीरो एंड ए जीरो बी जीरो बार इसका मतलब ये होगा आपका ए थ्री लेस देन बी थ्री ये होगा ए थ्री इक्वल टू बी थ्री और ये होगा ए थ्री ग्रेटर देन बी थ्री ग्रेटर देन इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये ए थ्री बी थ्री बार है सिमिलरली ये ए टू बार है इसीलिए आपका ए टू लेस देन बी टू ए टू इक्वल टू बी टू एंड ए टू ग्रेटर देन बी टू ए वन लेस देन बी वन ए वन इक्वल टू बी वन एंड ए वन ग्रेटर देन बी वन ए जीरो लेस देन बी जीरो ए जीरो इक्वल टू बी जीरो एंड ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो अब जो करना है बिल्कुल वही सबसे पहले एंड ऑपरेशन इक्वल टू के लिए करेंगे तो ए थ्री ले लूंगी पहले ए जीरो इक्वल टू बी जीरो लिया फिर ए वन इक्वल टू बी वन लिया और ए टू इक्वल टू बी टू लिया और ए वन सॉरी ए थ्री इक्वल टू बी थ्री लिया इन तीनों को मैं एक नैड एंड गेट से कनेक्ट करूंगी और ये एंड गेट का आउटपुट जो होगा वो A equal to B होगा। इन तीनों चारों को मैंने एंड गेट से कनेक्ट किया है A3 equal to B3, A2 equal to B2, A1 equal to B1, A0 equal to B0। चारों का आउटपुट आपका A equal to B हुआ। अब आते हैं लेस देन के लिए। लेस देन के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला लेना है और इसे कनेक्ट करना है एक और गेट से। इस ऑर्गेट से कनेक्ट किया नाउ सेकेंड इसके ऑर्गेट का इनपुट होगा आपका ये वाला एंडेड विथ दिस वन। ये आपका सेकेंड इनपुट आया थर्ड इनपुट होगा ये वाला एंडेड विथ दिस वन एंड दिस वन इनका एंड होकर के मुझे यहां पे मिलेगा ये थर्ड इनपुट और फोर्थ इनपुट होगा आपका ये वाला और इसके साथ एंड कनेक्ट होगा इन तीनों का और ये मुझे मिल रहा है ए लेस देन बी ठीक है नाउ ए ग्रेटर देन बी के लिए देखो यहां पर ए ग्रेटर देन बी है तो ये वाला लूंगी मैं एक ए ग्रेटर देन बी ये लिया ठीक है इसे कनेक्ट करना है और गेट के साथ और गेट के साथ दूसरा मेरा आएगा ये वाला ए ग्रेटर देन बी और इसके साथ एंडिंग को ऑपरेशन होगी इसके इक्वल टू की मतलब यहां की ऑरिंग सॉरी एंडिंग ऑपरेशन और ये आउटपुट मुझे देना है और गेट का सेकेंड इनपुट थर्ड आपका होगा ये वाला ए वन ग्रेटर देन बी वन इसके साथ एंडिंग होनी है आपकी ए टू इक्वल टू बी टू मतलब ये वाली और ए वन ए थ्री इक्वल टू बी थ्री मतलब ये इन तीनों का एंड होना है ऊपर वाले दोनों एंड और नीचे वाला ग्रेटर ठीक है दोनों इक्वल एंड नीचे वाला ग्रेटर ये जाएगा और का थर्ड और ये जो लास्ट ए जीरो ग्रेटर देन बी जीरो है ये लेना है इसके साथ एंड होगा ऊपर के तीनों इक्वल का ऊपर का इक्वल आपका ये है ए वन इक्वल टू बी वन ये आपका है ए टू इक्वल टू बी टू और ये है ए थ्री इक्वल टू बी थ्री इन तीनों का एंड ऑपरेशन होगा और ये जाएगा आपका और गेट का थर्ड इनपुट फोर्थ इनपुट तो ये आपका बना है ए ग्रेटर देन बी दिस इज योर फोर बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटिव जो आपको दिलवा सकता है सीधे दस मार्क्स बहुत सिंपल कंसेप्ट है सबसे पहले आप यहां पे लाकर के एंड कर दो फिर जो सबसे ऊपर वाला है उसे ऑर्गेट को दो और सेकेंड वाले का लेस देन ऊपर वाले का इक्वल टू थर्ड वाले का लेस देन और ऊपर दोनों के इक्वल टू फोर्थ वाले का देन ऊपर के तीनों के इक्वल टू आपको एंड करते जाने हैं और इस ऑर्गेट में देता जाना है फिर ऊपर वाले का ग्रेटर लिया वो ऑर्गेट को दे दिया सेकेंड वाले का ग्रेटर फर्स्ट वाले के इक्वल से एंड करना है वो देना है थर्ड वाले का ग्रेटर ऊपर के दोनों वाले इक्वल टू वाले से और एंड करना है वो देना है फोर्थ वाले का ग्रेटर ऊपर के तीनों इक्वल से एंड करने हैं और वो इसे इनपुट देना है दिस इज ए ग्रेटर देन बी दिस वाज योर फोर बिट कंपेयरेटर नाउ आज के डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप वन बिट कंपेरेटर टू बिट कंपेरेटर थ्री बिट कंपेरेटर फोर बिट कंपेरेटर आप लोग खुद ड्रॉ करके देखोगे डिजाइन करोगे ड्रॉ करके देखोगे और ये देखोगे कि आपका कंपेरेटर ड्रॉ करना आ रहा है क्या क्योंकि अगर ड्रॉ करना भी आ गया तो सिर्फ वो जो कंपेरेटर आप ड्रॉ कर रहे हो उसके मार्क्स पक्के बाकी कंपेरेटर की डेफिनेशन लिखनी है ये बताना है कि कितने बिट कंपेरेटर है तो क्या क्या इनपुट्स रहेंगे क्या क्या आउटपुट्स रहेंगे वो डिफाइन करना कोई बड़ी चीज नहीं है वो हर हर केस में सेम चलेगा कितने बिट है फोर बिट है तो ए थ्री ए टू एवन ए जीरो थ्री बिट है तो ए टू एवन ए जीरो टू बिट है तो ए टू एवन और वन बिट है तो सिर्फ ए जीरो ठीक है तो ये आपको खुद डिजाइन करके देखना है ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 22, 23 में आपको पूछा गया व्हाट इज मैग्नीट्यूड कंपेरिटर हमने अभी बताया आज डिस्कस किया है मैग्नीट्यूड कम्पेरिटर किसी भी बाइनरी वैल्यू के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा विद एंड विल गिव द आउटपुट वेदर ए इज ग्रेटर बी और ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी ये आपका मैग्नीट्यूड कंपेरिटर है यहाँ सिंगल बिट कम्पेरेटर आपको डिजाइन करने को कहा गया है ये सेवन मार्क्स का क्वेश्चन आया था

और अगर ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देखो तो आप देख रहे होंगे कभी वन बिट कभी टू बिट कभी थ्री बिट कभी बिट ये रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं तो इसीलिए उसकी प्रिपरेशन आप रखना ठीक है आज के लिए बस हमारे पास में इतना ही है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल थैंक यू हैव अ वेरी नाइस डे कीप प्रैक्टिसिंग बाय